और बहन जी काजल गई तुम इतने दिन से? वो तो मैं शादी में गई हुई थी। कितनी शादियां करनी है तेरे को? 12 साल की उम्र से एक ही काम कर जा रही है क्या? ए, मेरी शादी नहीं थी यार। तो किसकी शादी में थी? है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक, तू नहीं जानता। वहां तो ना बड़वे में, तेरे को सच बताओ, मैंने इतना नेटफ्लिक्स एंड चिल किया ना, हद ही हो गई। तेरे को पता भी है नेटफ्लिक्स एंड चिल क्या होता है? हाँ मेरे रहती है। मेरे को सब पता है नेटफ्लिक्स एंड चिल क्या होता है, मुझे मत सीखा ठीक है? अच्छा क्या क्या तूने उधर? पहले तो मैंने वही नेटफ्लिक्स एंड चिल करा जो तू बोल रहा है, उसके बाद टाइम बचा हो तो मैंने बैड बॉय बिलियनेयर देख लिया। मैं क्या सोच रही हूँ बड़वे, हम भी लंदन चलते हैं ना भाग कर। बालंदी आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेरा भी इतना मन करता है, लेकिन यार उसके लिए पैसे चाहिए। एक काम कर सकते हैं, तेरी वो दादी साहब है ना, उनके कुछ कागज वागज निकाल लेना, उनको बेच के चलते हैं। ए दादी साहब पे कुछ नहीं है, दादी साहब पे खाली नकली बत्ती सी है, वो बेचने जाएंगे ना 250 रुपए भी नहीं मिलने के। अरे तो तेरा वो गंडिया सा, उसके पास तो मोटी मोटी चेने पहनता हो, तो वो निकाल ले। कौन वो? जगिया बोस। हाँ ये आइडिया सही है, उसकी चेने निकाल लेती हूँ साले की। सुने काम कर, वो जो बब्लिक कच्चे वाली जेब में एटीएम कार्ड रखता है ना, वो भी निकाल लाइए, उसकी पिन पता है मुझे। एक सेकंड। हाँ तो वो पिन कैसे पता? अरे एटीएम पिन का तो छोड़, ये पूछ कि मुझे कैसे पता कि बब्लिक के कच्चे में जेब है और उस जेब में एटीएम कार्ड है। एक सेकंड, ये कच्चा ये जेब, ये तो मेरे को भी नहीं पता, तेरे को कैसे पता? हाँ न्यूज पे दिखा रहे थे, न्यूज चैनल पे, कुछ भी दिखा रहे थे न्यूज चैनल पे आज। मैं बस यार पहुंचवा दो अब तो। हाय गाइस, मैं हूं ज़ैनो, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज क्वारंटीन एडिशन। और क्वारंटीन एडिशन में गाइस देख रहे हैं काफी इन्वेस्टमेंट लग चुका है, ये है क्वारंटीन एडिशन प्रो मैक्स। हाँ क्योंकि अब हमको समझ में आ गया कि कोरोना तो कहीं नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली और दोस्तों मैं भी थोड़ी स्ट्रगल कर रहा हूं, बॉम्बे आ चुका हूं, जैसे ही कंगना यहां से निकली मैंने कहा अब चल सकते हैं, अब पीओके सेफ है, वहां की जो सबसे ज्यादा जहरी महिला थी वो वापस जा चुकी है। और मैंने सुना है मुंबई में 4,500 रुपए मिलते हैं सिर्फ रिपब्लिक टीवी देखने के, तो मैंने कहा भाई भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम ले डालो कोई टीवी बढ़िया व्यू व्यू का, जो ईएमआई पे लो, जो ईएमआई तो तुम्हारी अर्णब गोस्वामी भर देगा। पर मंथ का ही होगा, पर डे 500 रुपए देते, लोग तो अपने धंधे छोड़ के 10 टीवी लगा ले घर में, कहीं टीवी कैफे है हमारे घर में, टीवी कैफे। बट एनीवे गाइस जोक्स अपार्ट, फाइनली वापस आ गए ऑनेस्ट रिव्यूज करने के लिए। और इतनी सारी चीजें देश में घट चुकी हैं, सबसे बड़ी घटना तो यही हो गई गाइस कि फाइनली रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ गई। भाई साहब और इधर गंजेडियो में तो बहुत उत्साह की लहर है, मुंबई में तो खास पर बाबा के ढाबे वाले पूरे एपिसोड में तो दोस्तों सबसे ज्यादा दुखी अलग कोई इंसान है तो वो है वरुण जी। दुनिया अरे वो सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं गया इसकी सब मटर पनीर खरीदने। अरे यार मतलब वही सोच रहा है एक गरीब का भला हो गया, उसमें वरुण बुद्धि को 4 व्यूज भी नहीं मिले, वो बहुत पीछे रह गया यार, और सब लोग आगे निकल गए। मतलब वो जो वरुण वहां पे हर्ष बेनीवाल वहां पहुंच गया, ये सारे न्यूज चैनल वाले वहां पहुंच गए, आपके ये सब लोग पहुंच गए, सोमनाथ भारती बीजेपी के, मतलब अब ऐसा हो गया कि पूरी दिल्ली में एक ही गरीब इंसान है वो बाबा गढ़ा हुआ। और गाइस इसके अलावा एक बहुत बढ़िया तो नहीं, खैर मुंह से सच ही निकल जाता है, एक बहुत ही अजीब खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भाई सवारी लेके निकले अपने हाथ हिलाते हुए कि अपने सपोर्टर्स को मैं बता दूं कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं लेकिन मैं ठीक हूं। डोनाल्ड ट्रंप है कोरोना वायरस, ये दुनिया भर के संतरों को ये दिक्कत है कि जैसे ही कुछ इन्हें ऐसा मौका लगता है ना हाथ हिलाने की, तो इन्हें बुरी आदत है। हमारे वाले भाई साहब ने भी तो यही है, खाली चैनल में जाके हाथ हिला के आ गए। भाई अब क्या बोलूं, मतलब हाथ हिलाने की आदत तो अपनी भी है। अरे लेकिन सही चीज तो पकड़ के जाते हैं, ये थोड़ी की खाली चैनल की तो हवा में हाथ हिला दिया। और मतलब इस हफ्ते में मोदी जी ने दूसरी बार ऐसी हरकत की कि जोक मारने पर मजबूर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि विंड मिल से पानी बना के दिखा दो, कुछ तो ऐसा मतलब कि एनर्जी तो बन गई उससे पानी भी चला दो, टर्बाइन भी चला दो, और सामने वाला अंग्रेज बैठा हुआ वो बेचारा मजबूरी में करा के, योर एंथुसियाज्म टुवर्ड साइंस आई लाइक इट माय फ्रेंड बट इट डजंट वर्क लाइक दिस। हां ठीक है, मतलब क्या बोले। मोदी जी आपकी जो डिग्री है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, आप उसकी बातें करो, आप ये मत इस सब पे बात मत करो प्लीज, साइंस वाइंस
नहीं, हाँ ये सब बातें करने के लिए बहुत से लोग हैं, आधा किलो गोबर खा तो रहे हैं लोग ये सब बातें करने के लिए। बस यस दो, मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को हो गया कोरोना और उसके बाद जो उनकी बातचीत हुई, आइए देखते हैं उसके एक्सक्लूसिव फुटेज। हेलो डोनाल्ड माय फ्रेंड, माय आई आल्सो गॉट सेम वीआईपी प्लेन लाइक यू, 8000 करोड़। नो, आई एम नॉट, आई हेट नी, I am Santra. You know Santra? Yeah. Orange is yes, black. Like, yeah. Yes, like you. No. Orange is not black. Nothing is black. Black is black and they don't matter. Okay. But I copy you. You go plane, I take plane. Oh, you copy me? I got the coronavirus. You want the coronavirus? I will never have corona, my friend. Dolan, I eat coronel, I ban thali. I am corona proof, Dolan. No. We bang immigrants, we bang black people. Next time, I'm try banging thalis to not have the coronavirus. Okay, Dolan, I have to go. It's 9 p.m. My friend Arnab will shout on TV and I will get 500 rupees. Anyway guys, वापस आते ही हमने जो पहला शो देखा वो था बैड बॉय बिलियनर एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट इट्स अ वेरी एनलाइटिंग एंड इट्स अ फैंटास्टिक शो। हां मतलब वो ये देखो कुत्ते इतने नहीं रो नहीं सकते तो दूसरे आदमी की बेईमानी देख के खुश हो जाए कि कैसे लूटे इतने गरीब को, आओ यही देख लेते हैं। और वो तो वही बात है ना कि अमीर आदमी के साथ बुरा होता तो बात दिल को बहुत सुकून मिलता है, आप बहुत इंसाफ हुआ मैं। अब पब्लिक को वही तो मजा आ रहा है क्या, दीपिका की चैट ही हो गई सही। हाँ अगर साले ये बहन कीवी खाने वालों के साथ होना यही चाहिए। नहीं अपना बोलो चल रहा हूँ, ये कहाँ तक पहुंचे, आप कौन से स्टेशन के नीचे मिलोगे और दीपिका की पकड़ी क्या। हाँ बहुत बढ़िया बात है। शो में कास्ट तो बेसिकली क्या है, कास्ट फिल्म में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ विलेन ही विलेन है। एग्जैक्टली तीन विलेन है इसके अंदर, चौथा भी था लेकिन क्योंकि उनका कोर्ट में भी केस चल रहा है तो इसलिए उनकी कहानी हटा दी गई। बेसिकली तीन एपिसोड की सीरीज है जहां पर तीन अलग अलग इंडियन बिलियनर्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिनमें से पहला एपिसोड जो है वो है किंगफिशर के मालिक विजय माल्या जी के ऊपर। अब विजय माल्या क्या है कि बड़े बाप की औलाद है और इनका बेटा भी बड़े बाप की औलाद है, इन्होंने बहुत पैसा छापा है, ये दारू की इंडस्ट्री से शुरुआत करते हैं, फिर एयरलाइंस, फॉर्मूला वन रेसिंग, क्रिकेटिंग, सब जगह पैसे लगाते हैं और पैसा और वो तो दिखाया नहीं, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे कि वो कैलेंडर शूट। हाँ वो कैलेंडर शूट दिखाओ, ये तो पानी देख रहा हूं। पर भाई पार्टी में दीपिका भी आई थी इनके, वो दिखाया तो मुझे लग रहा है कि बिजनेस वहीं से डाउन जाएगी, जैसे दीपिका से हैंडशेक हुआ दीपिका ने भी बत्ती बना के पिलवा दी होगी ना। इस पूरी सीरीज के दूसरे विलेन है मेहुल चौकसी के भांजे नीरव मोदी। और आप ये देखो कि देश में इतने मोदी होने के बावजूद भी अगर आप सबसे ज्यादा पब्लिक का मतलब नहीं यार, ये तो ललित मोदी, हाँ। नीरव मोदी और कई सारे मोदी है। हाँ वो है कि मतलब नीरव मोदी ने जो है और इनका कारोबार था डायमंड का, मतलब ऐसा ही पब्लिक को बताते तो यही थे। हाँ मतलब हमारा डायमंड का कारोबार है, डायमंड की मैं अपने पापा से, पापा के साथ देखा, पापा कहते डायमंड बहन आते कहाँ से। हाँ। मैं खुदाई होती है, क्या अच्छा मुझे लगा बनते हैं। हाँ मैंने तो डायमंड से पिक्चरों में देखे कि वो भाई ऐसे निखर गए और डायमंड का चमत्कार वाला म्यूजिक होता है। हाँ वही तो, लास्ट में डायमंड की लड़ाई हो रही है, मेरे 80 करोड़ के हीरे, मेरे 100 करोड़ के, रियल लाइफ में तो आज तक गाइस मैं तो डायमंड देखा नहीं। पर तीसरा एपिसोड इसमें बनाया गया है किसी टाइम पे इंडिया की जर्सी के स्पॉन्सर रहे सहारा प्रणाम, सहारा श्री के ऊपर, सहारा श्री जिनका गैस बाकायदा अपना एक प्रणाम भी है सहारा प्रणाम। हाँ। और हमने उनसे इस पैरों पे सोचा है कि अब एक ऑनेस्ट रिव्यू प्रणाम भी शुरू किया जाए और कैसा होना चाहिए पब्लिक के सामने डिस्कस करते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक को सजेशन देना, तो मेरा सजेशन था वो ना बड़वा प्रणाम। ये बड़वा प्रणाम ये तो क्या आपको लाइफ थोड़ा इसकी हैंड जेस्चर भी हमें चेंज करनी चाहिए ना, बड़वा प्रणाम और ये बड़वा प्रणाम। बट हाँ गाइस सजेशन दीजिए कि हमारा ऑनेस्ट रिव्यू का प्रणाम क्या होना चाहिए। जो सारा है, सारा श्री का बेसिकली ये है कि इन्होंने चिट फंड में पब्लिक के पैसे लगवाए और पब्लिक से पैसा लेके थोड़ा रिटर्न किया, थोड़ा रख लिया, फिर आगे और चीजों में निवेश किया और ये थोड़ी सी इनके अंदर वो वाली छवि भी थी कि इनको अपने आप को भगवान जैसा दिखाना, थोड़ा सा इनका पाब्लो एस्कोबार टाइप की फिगर थी कि जहां पर ये
मतलब बाकियों के साथ ये नहीं था कि गरीबों के मसीहा नहीं थे वो। हाँ। वो भाई अब देखो विजय माल्या क्या कर रहा है, कह रहा दारू पीऊंगा। हाँ। नंगी लड़कियों का फोटो शूट करूंगा। हाँ। अपने लड़के को बॉलीवुड में सेट करा दूंगा, आईपीएल की टीम खरीदूंगा, उनको भी बियर जैसी जर्सी बना के दे दूंगा। हाँ। और ये भाई क्या कर रहा है, सारा श्री गरीबों की शादी करा रहा है। गरीबों की शादी, 100 गरीबों, मतलब मुझे लगता है कि सारा श्री ने भी करी है सारी रिएक्शन, बट ऑफ कैमरा की, ऑफ कैमरा करी है। हाँ, और क्या। हाँ, तो आयाश अब वरुण पूरी भी तो करता ही होगा आयाशियां। भाई वो तो जाता होगा कि लड़की को इसकी कविता जी आपने सारे कपड़े दे दो। हाँ, तो वो थोड़ी बहन बाबे के ढाबे पे खाना खाता होगा डेली, खाता तो वो भी टाको बेली होगा। हाँ, पूरी टाको वो मैक्सिकन वाली। तो गाइस बात करते हैं शो के प्लॉट की। शो का ओवरऑल प्लॉट तो यही है कि उन्होंने इन तीन बिलियनर्स की लाइफ को और उन्होंने जो कोट अनकोट स्कैम करा है उसको अनर्थ कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक एपिसोड एक एक घंटे का है और प्रॉपर टाइम दिया गया पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए। विजय माल्या की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भाई वो पहले ही अमीर घर के अंदर होते हैं और फिर उस टाइम पे जब उनके पापा दादू का बिजनेस करते थे, तो शो में दिखाया गया कि कैसे इंडिया में दारू को ही थोड़ा ऐसी दृष्टि से देखा जाता था, ये गंदी चीज है पीने की, ड्रिंक चार्ज। और जैसे उनके पिताजी खत्म हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं बनाऊंगा, आई विल मेक ड्रिंकिंग एल्कोहल कूल। कूल तो ओरिजिनल ओजी इन्फ्लुएंसर तो विजय माल्या ही है। बस बस वही है, आज भी देखो ना बड़े बड़े ब्रांड उनके पीछे भाग रहे हैं, ईडी किंगफिशर नाम की एक बड़ी बियर ब्रांड वाला, हालांकि यूबी की तमाम ब्रांड अवेलेबल थी लेकिन किंगफिशर उन्होंने फोकस करा और उन्होंने एक लाइफ स्टाइल ब्रांड बना लिया। और ये बात तो माननी पड़ेगी, हम सब उस वक्त गाना गाते थे उला ला 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 ले ले, किंगफिशर के नाम की सोडा आ रहा है, किंगफिशर के नाम के कैलेंडर्स आ रहे हैं और वही किंगफिशर नाम की उनको समझ में आता है कि भाई एयरलाइन खोली है। और एक क्रेडिट में इस बात का भी दिखाया गया है कि वो पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने बैंगलोर में पब खोला, तो पब संस्कृति के जनक भी हैं। हाँ, पब से पहला पब उन्होंने नहीं खोला लेकिन उन्होंने हाँ उसको बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने लाइक दे सेड दैट ही मेड ड्रिंकिंग कूल। जब आप आपके cool for women also, like women used to go to yes. pubs in Bangalore. तो मतलब देख रहे हो आप भारतीय संस्कृति की अगर माँ बहन किसी ने की है तो विजय माल्या ने ही की। बस एक ये विजय माल्या, एक नेहरू, एक नेहरू, ये दोनों और एक वो औरंगजेब भी है। अरे इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करी और वहाँ बाकायदा इतना चुपा था कि फ्लाइट में लॉबस्टर वगैरह खिलाते थे बहन। यहाँ हमको इमली की कैंडी मिलती है दो, तीसरी मांग लो एयर होस्टेस का मुंह बन जाता है कि और इमली नहीं है भैया। टैटू कराने का शौक है ना सिद्धार्थ माल्या को, तो उसने पता नहीं वाला टैटू क्यों नहीं कराया कि मेरा बाप चोर है, बेकायदे से वाला टैटू क्यों करवा। हाँ उसको नहीं, वो सिद्धार्थ माल्या तो ये कराया ना मेरा बाप एलिजेंटली चोर है। मेरा वो करवा ले मेरा बाप मासूम है। यही करवा ले, मेरे बाप को फसाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जहाँ बैंक वाले एम्प्लॉइज हमारे बेसिक काम करके राजी नहीं है कि अरे भाई ये फॉर्म ऐसे भरना पड़ेगा, वो साइन ऐसे करने पड़ेंगे, उनको हजारों करोड़ के लोन दे देते हैं इनकी शक्ल देख के। तो भाई जिसके पास किंगफिशर की टीम हो, जिसके पास आरसीबी हो, वो कौन ना लोन देगा। तुम लेके क्या जाते हो, आधार लगा उसकी भी आधी लेमिनेशन उतरी हुई है, घंटे का लोन मिलेगा तुम्हें। और भाई विजय माल्या के साथ तो इंसाफ तो भैया आईपीएल ने कर दिया, जो सारे आरसीबी कभी इसीलिए जीतेगी ही नहीं, करोड़ों रुपया खर्च कर लो गए, जब तक तू पैसे नहीं लौटाएगा पब्लिक के आरसीबी नहीं जीतने देंगे हम, और बोल तेरी माँ का। नीरव मोदी का सीन ये है कि वो ही बर्स्ट इनटू द सीन आउट ऑफ नोवेयर और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि नीरव मोदी टाइप का एक कोई आदमी आएगा और एक ज्वेलरी लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड निकालेगा और लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड चलते चलते इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि वो उसके ऑफिस उसके दुकानें लंदन में थी, न्यूयॉर्क में थी, हवाई में थी और धीरे धीरे करते करते एक ऐसी लग्जरी ब्रांड बनाई जिसको किसी ने सुना ही नहीं था। हाँ, और उनके मामा जो थे वो गीतांजलि चलाते थे म्यूजिक शॉप सी, इन्होंने कहा कि मुझे एक लेवल अप जाना है, मुझे लग्जूरियस ब्रांड बनाना है और एक तरकीब बहुत सी दिखाई है कि उनकी वाइफ जो थी वो डेट स्ट्रीमिंग करती जगह जगह जाती। हाँ, उनकी वाइफ थी सोशलाइट। हाँ, उनकी वाइफ बेसिकली क्या थी, वो इतनी रईस थी और वो रईस औरतों को अपना दोस्त बनाती थी और फिर बोलती थी कि हे लुक एट माय ज्वेलरी, और कहां से ली, अपने माय हस्बैंड मेक्स यार। हां हस्बैंड मेक्स, यू आल्सो वन ऑफ माय कम टू माय हस्बैंड शॉप। Yes, I am give you discount यार 10%. Use coupon code I am Modi. I am Modi. वो basically Indian bank से loan नहीं लेते थे, वो loan लेते थे, वो Indian bank से loan के अलावा LOUs लेते थे जिससे कि वो foreign bank से funding लेकर shell company में डाल सकें।
तो नीरव मोदी का बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी और इसीलिए जब पीएनबी ने उनकी दुकानों पर छापे मारे, उनके ब्रांड को ताला लगाया, तो नीरव मोदी को पहले से खबर थी और नीरव मोदी कहाँ गए किसी को नहीं पता चला। नहीं नहीं वो अब वो अब डेली टेलीग्राफ के एक रिपोर्टर ने उनको खोजा, अपने आगे रिपोर्टर देख लो एक तो। अरे अपने आगे तो आज की लड़ाई चल रही है भाई, तू तू 500 रुपए देता है, तू 500 रुपए देता है, मैं नहीं देता, तू भाई तुम अगर 500 रुपए दे रहे हो तब भी पब्लिक का देखना बनता नहीं है। मतलब इनके साथ तो वैसा होना चाहिए कि 500 रुपए भी रख ले और चैनल भी अनसब्सक्राइब। नहीं बट पहले ये भी देखो ना, पहले जेल में कौन होते थे, पहले संजय दत्त जेल में था, रिया चक्रवर्ती जेल में थी, अब सुब्रत राय जेल में थे, लोग जाते वहाँ, कंपनी तो अच्छी होती। अभी तो जेल जाएगा, उमर खालिद से क्या बातें कर लेगा। उमर खालिद उसे और चार बनाएगा, उसे कहेगा छोड़िए सब, में कुछ नहीं रखा। तीसरी कहानी जो शो में दिखाई गई जो कि है तीसरा एपिसोड शो का, वो है सहारा श्री श्री सुब्रत रॉय जी के ऊपर। इतनी इज्जत आपकी दे रहे, आपने भी लगाया था कि 30 रुपए महीने उनके साथ। भाई मेरी इज्जत ये है कि मैंने अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट एयर सहारा पकड़ी है। अच्छा मैं तो इस सबसे बहुत बात कर रहा हूँ, किंगफिशर भी देखी मैंने तो। तुमने सीधा वही देखी है, इंडिगो विस्तारा, इंडिगो वाले आए बड़े लोग भाई, इंडिगो वाले वो यूट्यूब ने टिकट करा दी है बैठ के आलो फ्रेंड पे। बेसिकली मैंने बहुत एक सिंपल चिट फंड का सिस्टम निकाला था जहाँ पर वो लोगों से कहते थे कि आप डेली 10 रुपए 5 रुपए 15 रुपए जो भी हो सके वो डेली जमा करिए 3 साल तक, और 3 साल में आपकी जितनी अमाउंट जमा होगी मैं उसकी डबल करके आपको दे दूंगा। और भाई उन्होंने क्या किया कि 2-3 साल दिए ताकि लोगों का भरोसा जीत सके, और जैसे ही एक बार भरोसा जीता लोगों का फिर भाई करना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस शुरू करे उन्होंने, सहारा एयरलाइन शुरू करी, एयरलाइन का बिजनेस शुरू करना छोटी बात नहीं है, उन्होंने एमबी वैली जैसे छापे की चीजें बनाई, उन्होंने सहारा चैनल बनाया, सबसे बड़ी बात भाई इंडियन क्रिकेट टीम में जर्सी के स्पॉन्सर, और सहारा के न्यूज़ चैनल भी थे, सहारा का तो बहुत चैनल आता सहारा समय, हाँ भोजपुरी चैनल भी आते सहारा के। और वही इवेंचुअली हुआ क्या कि उनको बाद में बनना बनाना पड़ गई एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वहां पर उनकी लाइफ का जो विलन था वो आगे खड़ा हो गया सेबी के नाम से। और अगर तुमने 12th में बीएसटी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा सेबी क्या होता है। मेरी बग्घी मेरा घोड़ा, जो आईटी में पढ़े बहन का मैं जा रहा हूँ MIT। तो यही है मोटा मोटी शो की डॉक्यूमेंट्री सीरीज की स्टोरी कि 3 डिफॉल्टर्स को इसके अंदर दिखाया गया है और किस तरीके से उन्होंने इसमें फ्रॉड वाली की वो दिखाया गया है। लेकिन डबिंग हिंदी में करती मुझे अच्छा सेट था, मतलब आप पूरा शो जब देखते हो आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगता है शो। Exactly. And third thing we like about the show is that कि मजा आया करती है, हरामियों की देखा ना क्या लग रहे हैं इनके, हाँ वो ये जैसे DPI check है yes, ये आने दे yes, और शो भी गली के अंदर है yes, तो वो जैसे होता ना इन लोगों के साथ मजा आ जाता है। And here are the three things we did not like about the show. One, कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी गई इन तीनों बिलियनेयर्स को, जो कि काफी एविडेंटली दिखता है कि अरे उनमें से किसी के साथ कुछ कुछ को तो बहुत ही बेचारा भी दिखा दिया गया। एंड थर्ड थिंग वी डिड नॉट लाइक इज ऑफ कोर्स हमें जेलसी भी देख के कि कहां लोगों की ऐसी अमीर वाली जिंदगी है और कहां हम भाई, ये भी मतलब हमने नहीं खरीदा, कंपनी ने ला के दिया है। हाँ तो ऐसे शो देख के आपको और अपनी गरीबी का एहसास हो जाता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे 18-19 किलोमीटर एक सुरंग है उसमें आप जिए। चलो अब खत्म करो वह साले, सारा दिन बैठ के टीवी देखता रहता, कुछ सीखेगा भी इससे कि ऐसे ही पड़ा रहेगा। डैडी टीवी तो सिखाता है सब कुछ आजकल। क्या सिखा रहा टीवी तुझे भाई? अभी देखिए मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे बैड बॉय बिलियनियर, अब मेरे दिमाग में क्या एकदम मस्त सॉलिड आइडिया आ गया बिलियनियर बनने का। क्या आइडिया आ गया? किसी अमीर आदमी की लड़की फंसाएगा? ये ना इतने फंसाने फंसाने काम वाले ना तुम देखा करो, मैं तो मेहनत वाला आदमी हूँ। अब मैंने क्या देखा है, दारू बेच बेच के
उससे भी ऊपर का आइडिया सोच लिया मैंने। इसने किंगफिशर एयरलाइन चलाई थी, हम अपने बैटरी रिक्शा चला देंगे। तेरे बैटरी रिक्शा में कोई क्यों बैठा? अरे डैडी आगे सब प्लान कर लिया ना मैंने, हम भी उसके अंदर पूरी फैसिलिटी देंगे, इकोनॉमिक क्लास चलाएंगे, बिजनेस क्लास चलाएंगे, और तो सबसे जरूरी मैंने वो सोच लिया है कि ऐसे राजू बाजू से रिक्शा नहीं चलवाना, उसके लिए रखेंगे अपना रिक्शा हॉस्टेस, मस्त छोटे कपड़े वाले रिक्शा हॉस्टेस को। अच्छा लड़कियों से चलवाएगा रिक्शा? हाँ। और डैडी मैं वो ये सब नहीं सुनूंगा, फिर तुम भानु प्रताप की तरह आ जाओ सूर्यवंश वाले, ये सब नहीं चलेगा हमारे धंधे में। नहीं नहीं चला चला, उल्टा मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे नजर में एक लड़की है, क्या बात कर उसको रख ले रिक्शा हॉस्टेस। क्या बात कर रहे डैडी, बताओ जल्दी बताओ फिर एड्रेस दो, कल से काम शुरू कर देते। ये राजस्थान में रहती है लड़की है मेरी जानने वाली है, बड़ी प्यारी लड़की है, बानंदी नाम है उसका। अच्छा बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सेवा करती है मेरी, टांगे दबाती ऊपर तक। एक सेकंड क्या कौन सी बानंदी? बानंदी बोला तुमने? हाँ बानंदी बोला बेटा, बहुत प्यारी लड़की है। अच्छा बहुत प्यारी लड़की। हाँ अब ये ले जा, हाँ ये मेरे कच्चे से एक एटीएम कार्ड ले जा। एटीएम कार्ड कहाँ गया मेरे कच्चे वाला? तूने मेरे कच्चे का कार्ड देखा क्या बेटा? नहीं डैडी मैंने नहीं देखा, लेकिन अब देखना पड़ेगा, अच्छे एटीएम सब देखने पड़ेंगे, पहले यही फैसला करूंगा मैं, बाद में बिलियनर बनती। अब डैडी सच बताओ चुपचाप क्या चल रही है? क्या तुमको पता है ना बानंदी? डैडी यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी होप थोड़ा थोड़ा हम इस नए सेटअप में अडेप्ट हो रहे हैं, और अगले एक एपिसोड में पूरी तरह से इसमें अडेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों तक यही फ्यूचर है, साउंड की वीडियो ऑडियो की हर तरह की दिक्कत आपकी जो भी है वो दूर कर दी जाएगी। आप हमें देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब तो लॉन्ग लाची भी आ चुका है गाइस, हमारा ब्लॉग देखें उसके लिए आप जाके। अब गाइस ऑल न्यूज़ पे वो बस्ट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने डांस हो रहा था, हमने खुद चलाया ना, लेकिन फिर हमने चेंज भी करके ली। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब भी हमें ये वो तो अच्छा हुआ यूट्यूब पे तुमने 1 मिलियन भी हुआ था, धूप लाठी वीडियो बना देता उसमें। और मतलब आजकल तो ये रिपोर्टर इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगे ना, मतलब हमें तो मतलब वाकई अगर आज जैसे एक्टिंग कर रहे हैं ना, अगर मुझे पीपली लाइव के टाइम पे पता चल जाता ना, तो भाई साहब मेरी पीपली लाइव की परफॉर्मेंस सुधर जाती।